हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनू और आज मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी बड़ी मम्मी से मिलने। मैं इसके पहले कभी भी ना मिली हूँ ना मैं गई। गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और देखो कितनी प्यारी सोसाइटी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे सोसाइटी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत सारी ग्रीनरीज होती हैं। देखो इतना सारा पेड़, फ्लावर। रात को हम अगर चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं और अगर हमें कभी ऐसे घूमने का मन करे तो हम वैसे भी घूम सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गार्डन जैसा फील आता है। यहाँ पर देखो बैठने के लिए भी बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। गले में भी खराश हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बड़ी मम्मी के घर पर और यहाँ पर हम बहुत सारे फ्रूट खाए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई और हमने बहुत बड़ा भी खाया, बहुत टेस्टी सा था। और यहाँ पर अभी बन रहा है खाना। वैसे तो हमारा मन नहीं था कि हम खाना खाकर जाएं क्योंकि हम लोगों का ऐसा था कि दो घंटे तक के लिए आएंगे और फिर मम्मी का अपना पर्सनल जॉब भी है तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे, बट मम्मी के लिए नहीं खाना खाकर जाना है। अभी खाना बन रहा है, दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर पूरी छन रही है, यहाँ पर ये मेरी बड़ी मम्मी है। मम्मी हाय कीजिए। हाय हाय एवरीवन। तो गाइज ये यहाँ पर देखो दीदी यहाँ पर पूरी तल रही है और मम्मी यहाँ पर पूरी बना रही है। पहले सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है ताकि लेट ना हो। मम्मी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पहले से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बनाओ फिर उसको प्रॉपर। तो गाइज जो हमारे बड़े पापा हैं वो बिल्कुल भी बोलते नहीं, वो चुपचाप बैठे तो हम लोग कब से यही नोटिस कर रहे हैं कि पापा कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर मम्मी है, अभी कंपैटिबली बहुत बोल रहे हैं। क्या मम्मी क्या कह रही है? कह रहे हैं कंपैटिबली वो बहुत बोल रहे हैं, इससे भी कम बोलते हैं। तो फिर तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाती होंगी ना? नहीं नहीं, हमारे पास बच्चे आते हैं ना। अच्छा, मुझे बिजी रखते हैं। तो गाइस मम्मी ट्यूशन पढ़ाती हैं और मम्मी 12th तक ना, 9 to 12 मम्मी ट्यूशन पढ़ाती हैं तो बच्चे यहाँ पर ही आते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने पूरा सेटअप कर रखा है कि पूरा ट्यूटर रूम बना रखा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ गाइस कि मम्मी ने यहाँ पर पूरा सेटअप कर रखा है कि प्रॉपर, ताकि ये बिजी रहे। इनका कहना है कि मैं इसलिए यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं अगर फ्री रहूंगी, पापा हैं तो मैं अगर फ्री रहूंगी तो मुझे पूरे टाइम ये लगेगा कि दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो बिजी रहे इसके लिए मम्मी ने ट्यूशन स्टार्ट करा है। मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप। तो गाइज ये रूम है जहाँ पर मम्मी ट्यूशन पढ़ाती हैं और मम्मी का जो एजुकेशन है ना वो है PhD, उन्होंने PhD करी है। और यहाँ पर देखो ये इन्होंने पढ़ा रखा है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि सब क्या है, ये सब किस लिए है गाइज, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, भाई साहब क्या है ये? इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ स्पैन। बाप रे बाप, मम्मी की राइटिंग कितनी सुंदर है। ये वो है, ये बायो में पढ़ाया जाता है कि कैसे ग्रो कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन ये सब है। F1 आदि राउंड एंड येलो। अच्छा मम्मी, यार मम्मी को काफी ज्यादा नॉलेज है। उन्होंने वो किया था ना? हाँ, मतलब मुझे इतना याद नहीं, कुछ पता नहीं से कुछ किया ना उन्होंने। यहाँ पर गाइस देखो यहाँ पर बच्चे बैठते होंगे आई थिंक सो। और यहाँ पर मम्मी ने बोर्ड लगा रखा है, लाइट लगा रखा है ताकि अच्छे से बच्चों को दिखाई दे। यहाँ पर एक वो भी लगा रखा है, ये किस लिए लगाया मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम वैसे तो आई हूँ। ये टीवी, अरे क्यों, उस पर स्मार्ट स्टडी के लिए स्मार्ट टीवी, आप कुछ वीडियो प्ले करके मम्मी को दिखा। यस हाँ, तो वो इजी होता है समझने के लिए। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। अच्छा मम्मी ने केमिस्ट्री से PhD करा है। 11th 12th को मम्मी PhD पढ़ाती है और 9th और 10th को PCL पढ़ाती है। बाय गॉड कितना ज्यादा नॉलेज है गाइस, हम लोगों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मतलब। और ये मेरे पापा हैं जो कि बिल्कुल नहीं बोल रहे। चलो गाइस चलते हैं खाना खाने। मम्मी, बड़ी मम्मी, आपको इतना सारा नॉलेज है, हम लोगों को तो कुछ याद ही नहीं है कि क्या क्या चीजें थी हमारे टाइम पे। मम्मी था ना पीस, उसने किचन गार्डन वाला, और कितनी खूबसूरती से मम्मी ने लिख रखा है पूरा। बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे ना, बहुत ही मतलब सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर। गाइस यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। ये नोएडा सेक्टर 90 कौन सा है, 93A है। और बच्चे कहाँ से आते हैं मम्मी? बच्चे सोसाइटी के भी हैं, 104 सेक्टर के भी हैं, 82 सेक्टर के भी हैं। भाई साहब ये गाइस आप समझ सकते हो कितने दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तो मतलब क्या एजुकेशन लेवल होगा, है ना? यस स्कूल छोड़ने के बाद मैंने यही काम अपना शुरू किया। वेरी नाइस, 27 साल स्कूल में पढ़ाया ताकि दर्द ना आपको पता चले ना मम्मी। बिजी रहे मम्मी, बिजी रहे। टीचिंग मेरा पैशन है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं जब तक रहूँ जिंदा पाप। तुम क्या तर्क देना चाहोगी? ऑलवेज चूज योर पैशन। अभी हम लोग देख रहे हैं एल्बम भैया की शादी की और इसमें बहुत सारे एल्बम्स, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स हैं। जैसे कि ये है, वो मेरी जो भाभी हैं वो हैं महाराष्ट्र की और हम लोग हैं यूपी के।
तो ऐसी शादी होती है ना कि मतलब महाराष्ट्रियन कुछ दूसरे डिजाइन दूसरे स्टाइल में करते हैं ना, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उनके, तो उनका ये है मुंबई वाला। और ये कहाँ का है मम्मी? ये दिल्ली का रिसेप्शन, ये दिल्ली का रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन यहाँ दिल्ली में हुआ था। एंड ये देवरिया रिसेप्शन, ये और ये देवरिया का रिसेप्शन है। और अभी गांव से भी जो हुआ था उसका भी बना नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ पेन ड्राइव है, तो वो मम्मी बनवाएंगी, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं वो डेवलप करा के मैं बनवा दूंगी। हाँ, तो मम्मी को ऐसा है कि सारी मेमोरीज एक साथ होनी चाहिए और यादें बनी रहती हैं। चार फंक्शंस में थे, चारों की चार एल्बम रहेगी। हाँ, तो इसके लिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम में लोग रिस्ट्रिक्टेड था फ्रॉम मूवमेंट, तो इसलिए मुझे जगह जगह जाके करना पड़ा ताकि सब लोग अटेंड कर पाए, सब लोग अटेंड कर पाए। शौक पूरा हो गया एक ही लड़का। ये भैया है, चारों जो भाभी है, ये मम्मी है, ये कौन है मम्मी? ये मेरे स्कूल के टीचर। अच्छा, ये टीचर है कोई, ये है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, मैं अभी आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है महाराष्ट्रियन रिचुअल्स, जो कि थोड़ा सा मतलब अलग होता है हमारे रिचुअल से, तो कुछ ऐसे ही लोग लगाते हैं, डोंट नो ये सब क्या है। अच्छा, भैया को भी लगाया? अच्छा, भैया ने मतलब सारी धर्म के अकॉर्डिंग करा है। हाँ, धर्म तो एक ही है, हिंदू ही है वही जो भी है, मुझे लग रही है। हाँ, मतलब उनके रिचुअल से क्या है ना मुंबई वालों के, महाराष्ट्रियन। कई समय बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कुछ अलग है, हमारे से तो बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए। ये बड़ी मम्मी है, ये भाभी है हल्दी में, ये भाभी है, मस्त लग रही है यार। और क्या, ये देखो, ये है गाइस हमारी भाभी, और ये बड़े पापा, और ये बड़ी मम्मी, मतलब इनके सास ससुर। अभी काफी रात हो चुकी है, मतलब शाम हो चुका है, और हम लोगों ने स्नैक्स कर लिया, लंच भी किया था हमने, और काफ़ी मतलब शाम हो गई। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग जाएंगे मम्मी के साथ और पापा के साथ, ये लोग आ रहे हैं, अब चलते हैं। तो गाइज मम्मी पापा यहाँ पर आए थे हमें ड्रॉप करने के लिए, और वो थोड़ी देर यहाँ पर रुके और चले गए। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पापा लोगों से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, स्पेशली ये बड़े पापा टाइप लोगों से और ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया वो मोमेंट। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार गई थी उनसे मिलने के लिए, और वो भी पहली बार ही हमारे घर आई थी। एनीवेज वो हम, ये तो हमारा घर है भी नहीं, वहां पर जो है वो उनका घर है, तो हम लोग पहली बार गए थे, और मम्मी भी फर्स्ट टाइम गई थी। उनका ना गांव से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा से यही दिल्ली में रहे हैं। तो अभी जब भैया की शादी हुई थी, तो भैया की जो शादी हुई थी ना, वो लव मैरिज हुई थी, और उन्होंने महाराष्ट्र की जो भी है भाभी, वो महाराष्ट्रियन है, बहुत ज्यादा क्यूट, बिल्कुल डॉल जैसा शक्ल है मतलब भाभी का। और गाइस नेक्स्ट डे मेरी मम्मी भी चली गई गांव, और दीदी भी चली गई गांव, क्योंकि उनका जो ट्रेन था वो नेक्स्ट डे आया, उसके अगले दिन था। वीडियो में बहुत टाइम बाद एडिट कर रही हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ पर, और उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक होता है ना कि किसी से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं चाहे वो कोई भी हो, तो वैसे भी हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।